नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तो प्रकांड विद्वान चुनावी पंडितों के धागे खोल दिए। एनडीए बहुमत में आया, नीतीश कुमार ने सातवीं दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूरे चुनावी अभियान में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे कि जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लायक कैसे हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार हर दूसरे भाषण में यह कहते नजर आते थे कि हमारी सरकार से पहले बिहार का क्या हाल था, लोग रातों को घर से निकलने से डरते थे। लेकिन अब नीतीश कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री चुने गए हैं जिनका इतिहास भ्रष्टाचार का ही रहा है। नाम है मेवालाल चौधरी, मुंगेर के तारापुर से जदयू विधायक हैं। यहाँ से वो दूसरी बार विधायक बने हैं। डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर प्रखंड के कमरगाँव गाँव के निवासी हैं। चौधरी की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी भी 2010 में तारापुर से विधायक चुनी गई थी। वर्ष 2009 में गैस सिलेंडर से लगी आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। उस आग में मेवालाल बच गए थे। मेवालाल चौधरी पर बिहार के निगरानी जांच ब्यूरो ने 2017 में केस दर्ज किया था। उसी साल भागलपुर के सबौर थाने में भी उन पर केस दर्ज हुआ था। मंत्री जी पर आईपीसी की धारा 409, 420, 46, 7, 468, 471 और 120 बी के तहत भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। यह मुकदमा क्यों है, क्या है मामला, ध्यान से सुने। दरअसल मेवालाल 2010 से 15 के बीच सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। इन पर जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली और भवन निर्माण में घपले का आरोप है। कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012-13 में 161 सहायक प्राध्यापक व कन्य वैज्ञानिकों की नियुक्ति में जबरदस्त खेला किया गया था। आरोप लगे थे जमकर धांधली के और पास अभ्यर्थियों को फेल कर वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने का। इसके बाद विश्वविद्यालय से बहाली से जुड़े कागजात भी गायब कर दिए गए थे। मामला प्रकाश में आया तो राजभवन के निर्देश पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने जाँच की। निगरानी कोर्ट पटना से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मेवालाल चौधरी को लगा अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है तो हो लिए। साल 2017 सितंबर में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उसके बाद मामले की जांच लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ी। तत्कालीन डीएसपी व केस के जांचकर्ता रमेश कुमार के तबादले के बाद भी जाँच कुछ वक्त के लिए अधर में लटक गया था। मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि कोर्ट में मेवालाल के खिलाफ अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। मेवालाल को जदयू से निकाला भी गया था मगर वो सब शायद महज दिखावा मात्र था और सिर्फ नीतीश कुमार के भाषणों तक ही भ्रष्टाचार का मुद्दा सीमित था, क्योंकि डॉक्टर मेवालाल चौधरी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।